कृष्णा राधे राधे कृष्ण दासी के चैनल में आप सब मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी कृपा से आप सब ठीक होंगे। और ये पार्ट फोर है ऋषिकेश से जो ड्रेस आई थी उसका, तो मैं आपको दिखाती हूँ। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। श्री राधे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ पहले रसिया की ड्रेस, और क्या ड्रेस है, क्या है क्या नहीं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, वाओ ड्रेस है, वाओ कितनी प्यारी सी फ्रॉक है। और ये ऑफ वाइट कलर का कपड़ा है, ये देखिए। और इस पर बन रहे हैं पिकॉक, ये देखिए छोटे छोटे से पिकॉक के जो फैदर होते हैं वो बने हुए हैं पंख। और अंदर भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। यहाँ लगाए हुए टिच बटन, तो रसिया को पहनाएंगे हम इस तरह से। तो ये बहुत छोटी सी फ्रॉक है और नीचे फ्रॉक के ये पजामी है। कितनी प्यारी सी छोटी सी क्यूट सी पजामी है, प्यारी लग रही है ना बहुत ज़्यादा। और ये भी अच्छा है, आराम से आएगा, फ्लेक्सिबल सा इलास्टिक डाला है, ये देखो काफ़ी। क्योंकि रसिया की जो कमर है वो 15 इंच समथिंग है, तो इसे थोड़ा सा लूज़ बनाना पड़ता है क्योंकि पहनाने में प्रॉब्लम होती है। तो ये देखिए कितना सुंदर सी स्मूथ कपड़ा एकदम, और इसमें अस्तर भी लगी हुई है बढ़िया सी, ये देखिए। तो हंसा बनाती बहुत अच्छा है, हमेशा से बहुत ही बेस्ट क्वालिटी होती है उसकी, अस्तर की भी और सब चीज़ की। और ये फ्रॉक है सुंदर सी, देख कितनी प्यारी लग रही है ना। तो ये है हमारे कन्हैया की ड्रेस, इसमें बहुत ज़्यादा पता लग रहे हैं मोर पंख। और हमेशा की तरह मैंने बताया कि ये सिलाई लगाती है कच्ची, ताकि इसको उधेड़ देंगे तो ये पूरा घेरा खुल जाता है। और ये है बस टॉप बनाई हुई है, तो ये है कन्हैया की, और बहुत सुंदर सी लेस है। तो मैं जितने भी पार्ट होंगे कोशिश कर रही हूँ बहुत जल्दी जल्दी दिखाने की, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है 20-25 मिनट की। तो ये और पीछे क्वालिटी आप देख सकते हो, तो कितने सुंदर से अलग ही चुन दिख रहे हैं। तो ये हमारे कन्हैया की है। अब आ जाते हैं बिहारी जी और श्रीमती राधा रानी पे। ये है बिहारी जी की सुंदर सी धोती, देखो यहाँ से ही खुल जाएगी और इस तरह से पहनाई जाएगी। तो ये है बिहारी जी की धोती, किस तरह से ये बना हुआ है, ऑफ वाइट कलर है। और ये कमर काचनी है, कंट्रास्ट बहुत सुंदर दे रखा है, मतलब जो भी है ये ब्राउन कलर और ऑफ वाइट कलर का बहुत सुंदर कंट्रास्ट है, जो मुझे बहुत ही सुंदर लगा। तो ये देखिए कलर कंट्रास्ट कितना सुंदर है, ये देखो कितना प्यारा है। और ये जो मुझे ऊपर की कमर काचनी होती है ना, हमेशा से इतनी छोटी सी बड़ी अच्छी लगती है, मतलब समथिंग ये 4 उंगल है मेरी, 4 उंगल 4-5 उंगल, तो बहुत अच्छी लगती है, अलग ही लुक आता है। और बनाई भी इतनी सुंदर, क्वालिटी देखो आप, बस मैं हमेशा क्वालिटी पर ही आपको दिखाती हूँ। कि ये नहीं होता, अगर आप सोच रहे हो कि इतनी सारी, अगर हंसा ने सेवा इतनी ढेर सारी भेज दी है तो कुछ भी ऐसे ही भेज दिया होगा, तो ऐसा नहीं है। आप क्वालिटी, कपड़ा और फिनिशिंग सब देख सकते हैं। देखो ये है भक्त के भाव, निस्वार्थ सेवा, तो ये भेजी है हंसा ने। और देखो कितना सुंदर, और ये हमेशा की तरह मैं बता ही देती हूँ, तो यहाँ से घेरा खुल जाएगा जब हम उधेड़ेंगे इसमें, ठीक है जी। और ये बनाया है ऊपर टॉप, यानी कुर्ता टाइप कुछ बना दिया है, वेलक्रो लगाई है पीछे, ठीक है जी। तो ये है कुर्ता, बाकी मैं सोच रही हूँ इसकी ये आ ही जाना चाहिए, क्योंकि इतना काफ़ी लग रहा है कि आ तो जाएगा, बाकी जब मैं पहनूँगी जब पता चलेगा। तो ये बिहारी जी का पूरा सेट है, और ये बिहारी जी का पटका है, वाह कितना सुंदर लग रहा है। और इसमें वो प्रॉपर गोल्डन कलर आ नहीं पा रहा जो मैं दिखाना चाह रही हूँ, और शायद मैं कोशिश करूं दिखाने की। हाँ ये देखिए आप, दिख रहा होगा आपको, तो इस तरह से है ये। और ये भी काफ़ी लंबा चौड़ा है, देखिए कितना अच्छा सा, लेंथ भी बहुत अच्छी दे रखी है और पीछे क्वालिटी भी। तो ये बिहारी जी का है, अब श्रीमती राधा रानी का दिखाते हैं आपको। तो राधा रानी का वाओ वाओ वाओ, देखो इसमें इन्होंने गोटा पट्टी के जो फ्लार आते हैं वो यूज़ करे हैं कुछ अलग देने के लिए, कि भाई बॉयज़ का अलग बना दो, क्योंकि मोर पंखी तो सब में ही बनी हुई है, ये देखिए छोटी छोटी। बाकी ये है कि जो लेडीज़ का, यानी कि जो भी राधा रानी का है, तो वो उसमें ये फ्लावर लगा दिए, तो उससे अलग ही उभर के बहुत सुंदर लुक आ रहा, बहुत ही सुंदर। और ये फिनिशिंग है, मैं आपको खोल के दिखाने का मन तो होता है मेरा, पर फिर ये होता है कि ख़राब ना हो जाए, बट मैं आपको कोशिश करती हूँ। देखो इस तरह से धागा खोल लेंगे,
तो ये पूरी मतलब कि खुल जाएगी और आराम से पहनाई जाएगी। मतलब ये चुन्नट है, ये इसलिए ऐसे बांधा होता है, ये देखिए, ताकि हम जब भी पहनाएं तो चुन्नट अच्छे से ऐसी तह लग रहे हैं, वरना ख़राब हो जाते हैं। देखिए, ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा खोल के दिखा देती हूँ। तो जब हम खोलेंगे तो ये पूरा इस तरह से फ्लेयर खुलता चला जाएगा। और ये देखो, वाह, बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये ऑफ वाइट कलर है और इसमें बन रहे हैं मोर पंख, प्यारे प्यारे पीछे की फिनिशिंग है ये, देखिए। तो इस तरह से अब मैं खोलूँगी तो काफ़ी लंबा, बहुत बड़ा घेर हो जाएगा, क्योंकि यहीं से पता लग रहा है कि काफ़ी लंबा चौड़ा ये लहंगा है राधा रानी का। ठीक है जी, ये है ब्लाउज़, तो अच्छा लगता है ऐसे ब्लाउज़ प्लेट वाला। तो ये है हमारी राधा रानी का ब्लाउज़। तो इस तरह से डोरियाँ वाला बांधने के लिए, ये राधा रानी का ब्लाउज़ है और ये राधा रानी की चुन्नी, अच्छी खासी चौड़ी है। देखिए, ये राधा रानी की चुन्नी है। तो ये हो गए बिहारी जी और श्रीमती राधा रानी का। अब मैं आपको दिखाती हूँ लड्डू और लाडली का। अब मैं आपको दिखाती हूँ लड्डू और गोपू की। वाओ, ड्रेस है बहुत प्यारी सी, क्यूट सी। तो मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये हमारे गोपू की ड्रेस, वाओ कितनी सुंदर है, वाओ जस्ट वाओ। देखो कितने सुंदर ये फ्लावर, ये वाले लगाए हैं इस पर, और राधा रानी वाली पे स्टार टाइप लगाए थे, ये कुछ राउंड में है, गोटा पट्टी फ्लावर बोलते हैं इसको, फ्लावर यानी कि, ठीक है, या पैच भी बोल सकते हो, गोटा पट्टी के पैच लगाए हैं, कई लोग कुछ बोलते हैं, कई लोग कुछ बोलते हैं, लेकिन जो अंसर लेस लगाती है उसका कंट्रास्ट इतना सुंदर लगता है, और शाइनी अलग ही इतनी सुंदर और सॉलिड वाली है, ऐसे नहीं है कि ऐसी है, बहुत प्यारी अच्छी सी लेस है और क्वालिटी आप देख ही सकते हो। तो ये हमारे गोपू और ये है हमारी गोपी बहू की, तो सेम ही है, ठीक है जी। तो इसलिए मैं ज़्यादा खोल नहीं रही हूँ, और हमारे लड्डू और लाडली की भी सेम है, बट मैं एक साइज में आपको खोल के दिखा दूँ, क्योंकि उनका साइज थोड़ा सा बड़ा बनता है। लाडली और लड्डू की, तो देखियो हमारी लाडली का कितना सुंदर सा सेम ही ड्रेस है, बट ये बड़ी है, और जो इसमें मुझे ये मोर पंख तो वैसे ही बहुत प्रिय है। तो हंसा की ये दूसरी ड्रेस है जिसमें मोर पंख बने हुए हैं, एक वो होली की आई थी, एक ये है, और एक और आई है उसमें भी बहुत सारे मोर पंख बने हुए हैं, तो वो भी मैं दिखाऊंगी। तो ये देखिए, और इस तरह से मोड़ लेंगे तो ये लाडली और गोपी, लाडली और लड्डू का ड्रेस है, ठीक है जी। अब मैं आपको उनके दुपट्टे भी दिखाती हूँ, और ये है हमारी लाडली गोपी के, ये देखो लिखा भी हुआ है गोपी एंड लाडली, तो ये इनके दोनों के दुपट्टे हैं। कितना सुंदर कलर कंट्रास्ट है, ऑफ वाइट एंड गोल्डन, या फिर आप थोड़ा सा लाइट ब्राउनिश में बोल सकते हो। आ जाते हैं राधे गोविंद पे, तो मैं राधे गोविंद की आपको दिखाती हूँ। क्यूट सी प्यारी सी छोटी सी धोती है, ये देखिए सुंदर सी, और ये पटका साथ में, ये देखिए इस तरह से कितना प्यारा लग रहा है ना, पटकों की वैसे, और ये कंट्रास्ट जो दिया उसकी वैसे और ज़्यादा जान आ गई है। और ये देखिए, ये हमारी राधे रानी की, यानी जो 6 इंच वाले राधे गोविंद जी हैं उनकी ड्रेस, और ये है पटका, तो ये राधे गोविंद जी का है, ठीक है जी। अब मैं आपको दिखाती हूँ राम दरबार की। तो राम दरबार जी के पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये लक्ष्मण जी लिखा हुआ है, यहाँ पे राम जी लिखा है, यहाँ सीता मैया, तो ये सबके दुपट्टे हैं, या फिर पटके आप बोल सकते हैं राम दरबार के, ठीक है जी। ये देखो कितने सुंदर, अब मैं इनकी ड्रेस दिखाती हूँ आपको। अब मैं आपको दिखाती हूँ राम दरबार की। तो ये हमारी सीता मैया का लहंगा है, जो इस तरह से अभी पैक है, जब खुल जाएगा तो फ्लेयर हो जाएगा, ये देखिए। तो ये सीता मैया की है सुंदर सी, और ये हमारे राम जी की धोती, यहाँ से पहनाऊँगी ऊपर से, और यहाँ से हम खोल के बंद करेंगे तो ठीक है, अच्छी है, ठीक है। और ये हमारे लक्ष्मण जी की, या राम लक्ष्मण किसी को भी पहना दो, जिस पर भी पूरी दोनों फिट बैठेंगी। तो कई बार कपड़े का कम बढ़ती हो जाती है, उस वजह से लग रहा है ये कंट्रास्ट लगा दिया है, क्योंकि इतने सबकी बनानी होती है तो कपड़ा भी हो सकता है, कई बार हो जाता है कम। तो ये हनुमान जी की धोती है, ये सीता मैया का दुपट्टा है, ठीक है जी। तो ये है, और आज मैंने वीडियो इतनी फास्ट में बनाई है कि वही कम से कम टाइम लूँ मैं, तो इसलिए
बाकी कल मैं कोशिश करूँगी बिहारी जी के राधाष्टमी श्रृंगार दर्शन कराने की, मतलब वीडियो आपको देने की। तो ये राम दरबार की और राधे गोविंद जी की। और अब मैं दिखाती हूँ आपको जगन्नाथ जी के। तो ये प्यारे प्यारे क्यूट से जगन्नाथ जी के, हमारे मेरे जो जगन्नाथ जी हैं वो 4 इंच के हैं, इसलिए 3 इंच के लहंगे हैं। प्यारे प्यारे से बहुत सुंदर लग रहे हैं हंसा। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। ये पटके हैं तीनों, ये देखिए। तो अब आप बताना आपको कैसे लगे। और भी जो सुंदर सी ड्रेसें हैं हंसा ने जो भेजी हैं वो भी मैं डालूंगी, लेकिन बीच बीच में दूसरी वीडियो भी आती रहेंगी। और ये है माता रानी, देखिए सब पे अच्छी बात है लिख के भेजा हुआ है कि माता रानी का ये। तो माता रानी हमारी 6 इंच की हैं। तो ये लहंगा है, मेरे ख्याल से ये भी 3 इंच का है। तो ये माता रानी का लहंगा है और थोड़ा सा 1-1/2 इंच मेरे ख्याल से छोटा हो सकता है, पहनाने पता चलेगा। और ये हैं कृषु राधे, कृषु बल्लू राधे की, मतलब जो छोटे वाले डॉल वाले जो हमारे राधे कृष्ण हैं छोटे छोटे से, तो उनके हैं कृषु बल्लू राधे के। ठीक है जी, ये देखिए ये जो साइड मोसल लेस लगाई है बहुत सुंदर लग रही है। और ये सबके पटके हैं, और पटके तो मेरे कई बार वैसे भी काम आ जाते हैं, मैं पगड़ी भी यूज़ कर लेती हूँ पटके बनाने में, जैसे जगन्नाथ जी की या किसी की। और ये हैं उसके हैं ये तुलसी माता जी का लहंगा, वाह कितना सुंदर लग रहा है। तो तुलसी माता हे सुखदाता तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगह हम तेरी नादी भक्ति मेरी। तो ये तुलसी माता का पटका और लहंगा है, और ये श्याम बाबा का है, और ये बंकू का है। ठीक है जी, सबके हो चुके हैं लहंगे। और मेरे ख्याल से ये शालिग्राम जी का रखने का होगा, या फिर स्लिप इधर हो गई है तो पता नहीं लग रहा, जब मैं श्रृंगार करूँगी तब सब पता चल जाएगा। इसकी ड्रेस दिखा दी, तो ज़रूर से बताना आपको कैसी लगी ड्रेस, और प्यारी सी क्यूट सी देखो रजिया की, तो इतनी सुंदर छोटे से बच्चे की ऐसे लगती है ना, इसलिए मुझे ज़्यादा वो आता है जैसे छोटी सी बच्ची की हो किसी बिटिया रानी की। तो ये हमारी रसिया की है। तो आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आगे भी मैं हंसा के पार्ट डालूँगी, जितनी भी मेरे पास ड्रेसें आई हुई हैं या फिर आ रही हैं। ठीक है जी, तो ज़रूर से आप बताना, आपके कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगी। और हंसा को भी ब्लेसिंग देना, इतनी सेवा भेज रही है बिहारी परिवार के लिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और हम सब इसी तरह सेवा में लगे रहें, आपको अच्छी अच्छी वीडियो देते रहें हर तरह से, हर टॉपिक पर भी। तो जय श्री राधे। कल मिलते हैं आम बिहारी जी के श्रृंगार वीडियो के साथ, तो आप ज़रूर से वॉच करना। हाँ, और उसके बाद मेरी जो जन्माष्टमी की श्रृंगार वीडियो भी रह रही है राधे और कृष्णा की, यानी श्रीमती राधा रानी और बिहारी जी की, वो भी रह रही हैं। और अभी एक दो पहले की भी रह रही हैं, सावन की भी रह रही हैं, बहुत सारी श्रृंगार वीडियो रह रही हैं। तो कोशिश करूँगी अगर मैं से डिलीट ना हो गई हो तो मैं वो भी डालूँगी 1 by 1। तो बीच बीच में वो और फिर ये पार्ट आपको डलते रहेंगे, या जो भी मैं कुछ शॉपिंग कर रही हूँ या फिर जो भी गिफ्ट आ रहे हैं उनकी भी डलती रहेगी। तो जय श्री राधे।